चलिए बेटा, तो आज अपन एक नया चैप्टर और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पॉइमेस का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 7 है वैसे हमारी बुक में, इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स पार्ट्स मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट। स्टडी नोट 7 कह सकते हैं। देखिए बेटा, इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। हर बार इस चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर मिलता ही मिलता, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है चैप्टर, क्योंकि हमारे एग्जाम में इसका क्वेश्चन हर बार आता है। ओएमएस में वैसे तो फिक्स नहीं है कि इस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि इतने सारे प्रैक्टिकल चैप्टर है, किसी में से भी दे दे, लेकिन ये चैप्टर फिक्स रहा है अभी तक। इस चैप्टर में से क्वेश्चन आया ही आया है हमेशा, तो इसीलिए चैप्टर जो है काफी इम्पोर्टेंट बन जाता है। आखिर इस चैप्टर में हम क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं, पहले वो देख लेते हैं। आइए मेरे साथ लिखिए, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर? तो हम सबसे पहला टॉपिक, व्हाट इज रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस। इसे पहले मेंटेनेंस देखने वाले अपन, चलो कोई बात नहीं। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, हाउ टू कैलकुलेट एनुअल ब्रेकडाउन कॉस्ट, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वर्सेस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। आफ्टर हाउ मच टाइम अ मशीन should be replaced with a new one, should be replaced with a new one, इसके अलावा हमको टॉपिक पढ़ना है हाउ टू कैलकुलेट रिलायबिलिटी
मेंटेनेबिलिटी, एंड अवेलेबिलिटी, ऑफ मशीन। विदर टू प्रोक्योर स्पेशल इक्विपमेंट और नॉट, ये कुछ मेन मेन टॉपिक्स है जो कि हमको इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं बेटा। तो ये जो टॉपिक्स है इनमें से हमेशा एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही रहता है। चलिए बेटा, अब अपन जानते हैं इस चैप्टर के बारे में कि आखिर इस चैप्टर में क्या है, कैसे है सब कुछ। ये सारी बातें अपन इनमें जान लेते हैं। देखिए बेटा, चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है फायदा, किस चीज का फायदा, मेंटेनेंस करने के, मतलब हमारे प्लांट के अंदर। देखिए अपन प्रैक्टिकली इसको समझते हैं, ये सारे जो वर्क इसमें बताए गए हैं चीजें है, ये तो आप थियोरेटिकली पढ़ रहे हो। जब मैं कंपनी में था वेदांता में, तो ये सारे प्रैक्टिकल काम होते थे। ऑपरेशन मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट ही ऐसा है, जिसने एक्चुअल में प्लांट में काम किया है वही आपको चीजें एक्चुअल में बता पाएगा, वरना फिर वो रटने वाला मामला हो जाता है। देखिए होता क्या है कि जो प्लांट होता है, एक प्लांट है, प्लांट में क्या होती है, बहुत सारी मशीन्स होती है। अब मशीन्स क्या होती है कि मशीन हर रोज चलती है, 24 घंटे ही चलता रहता है प्लांट, तो मशीन 24 घंटे चलती है। अब होता क्या है कि मशीन चलती है तो वो खराब भी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन बोलते हैं। वो खराब हो जाए तो उसको अपन को रिपेयर भी करवाना पड़ता है, ठीक करवाना पड़ता है हमको इसको, या फिर बिना खराब हुए टाइम टू टाइम बेसिस पर मशीनों में ऑयलिंग, पेट्रोल, कैरोसिन, काफी सारी चीजें, ग्रीस वगैरह डालने पड़ते हैं, मतलब मेंटेन करना पड़ता है टाइम टू टाइम बेसिस पर। ये काम भी प्लांट के अंदर होते हैं। या फिर हमको कई बार नई मशीन भी खरीदनी पड़ती, मतलब पुरानी मशीन को तो हमको क्या कर देना होता है, भाई सेल कर दो या कुछ भी करो आप, और उसकी जगह नई मशीन ले आओ, जिसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट करना। तो ऐसे कई सारे काम एक प्लांट के अंदर होते हैं। इन सारे कामों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ये मेंटेनेंस क्या होता है। मेंटेनेंस क्या होता है, तो ठीक है मशीन्स वगैरह का, उस मेंटेनेंस को कराने से क्या फायदे होते हैं, यही इस चैप्टर का नाम देखो, इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस। इकोनॉमिक्स मतलब यहां पर फायदा है, मेंटेनेंस करवाने के फायदे पहली बात। तो दूसरा, एंड स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट। स्पेयर पार्ट्स क्या होते हैं कि एक मशीन है तो इस मशीन में कोई पार्ट लगना है, एक छोटा, उसको बोलते हैं स्पेयर पार्ट, छोटा। आपके पास में बाइक है, कार है, तो उसमें एक छोटा पार्ट लगता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पेयर पार्ट्स बोलते हैं। तो स्पेयर पार्ट्स को भी अगर आप टाइम टू टाइम बेसिस पर लगाते हो तो उसके क्या फायदे होते हैं, एक तो इस चैप्टर के नाम में ये बोला गया। लेकिन इस चैप्टर के नाम में एक और चीज होनी चाहिए थी, दैट इज रिप्लेसमेंट एंड रिप्लेसमेंट। वो रिप्लेसमेंट इसमें नहीं जोड़ा गया चैप्टर के नाम में, वरना लॉजिकली जुड़ना चाहिए। रिप्लेसमेंट क्या चीज है कि अपन इस चैप्टर में ये बात भी जानेंगे, मतलब मशीन को मेंटेन कराने के, रिपेयर कराने के टाइम टू टाइम बेसिस पर क्या फायदे हैं, वो तो हम देखने वाले हैं। इसके साथ ही साथ में एक मशीन को कब रिप्लेस कर देना चाहिए विथ न्यू वन, कब एक मशीन को इस जगह पर हमें नई मशीन ला करके लगा देनी चाहिए, ये भी अपन इस चैप्टर के अंदर ही सीखने वाले कि कब हम एक प्लांट में एक मशीन को हटा के नई मशीन लगा देते हैं, ये भी चीजें सीखने वाले।
तो दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग के हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ते हैं, दिस इज द रीजन के हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि हमें इससे पता चलेगा कि टाइम टू टाइम बेसिस पर मेंटेनेंस वगैरह करवाने के क्या फायदे हो सकते हैं, कॉस्ट वाइज हमको ज्यादा देखना है इसमें, या कब एक मशीन को हटा करके उसकी जगह एक नई मशीन ला करके हमें लगा देनी चाहिए, ये बात भी हमें इस चैप्टर में देखने वाले। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें होने वाली, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले अलग अलग टाइप के, एंड हमेशा आपको जैसा कि मैंने बता दिया कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है। चलिए बेटा बात करते हैं चैप्टर के बारे में। सबसे पहली बात सवाल आता है, व्हाट इज मेंटेनेंस? आप भी जानते हैं भाई मेंटेनेंस का मतलब, तो मेंटेनेंस का मतलब क्या होता है? टाइम टू टाइम बेसिस पर रिपेयर करवाना चाहिए। मेंटेनेंस मींस रिपेयरिंग और मेंटेनिंग मशीन ऑन टाइम टू टाइम बेसिस। फॉर एंश्योरिंग स्मूथ फंक्शनिंग, तो आप आराम से काम कर पाओ, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मशीन। रिपेयरिंग और मेंटेनिंग मशीन ऑन टाइम टू टाइम बेसिस फॉर एंश्योरिंग स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द मशीन इससे होगा क्या? इट हेल्प्स इन एंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड इन रिड्यूसिंग कॉस्ट। इसको नोट कर लीजिए बेटा। हो गया बेटा। तो देखिए बेसिक मीनिंग क्या हो गया भाई मेंटेनेंस का, मतलब आप जैसे मेंटेनेंस करवाते हो किसी भी चीज का, भाई टाइम टू टाइम बेसिस पे जाके चेक करना है, भाई कोई खराबी हो तो रिपेयर कर दो, इससे होता क्या है चीज बढ़िया चलती रहती है और आपके जो रिसोर्सेज है उसका बहुत अच्छा यूज होगा, ज्यादा टाइम तक वो चलेगी मशीन वगैरह और आपकी कॉस्ट भी कम आएगी क्योंकि वो चीज खराब ही कम होगी, खराब कम होगी तो कॉस्ट कम। अब इसी मेंटेनेंस को डिटेल में समझते हैं, आइए डिटेल में क्या होता है कि मेंटेनेंस अलग अलग टाइप के होते हैं उसको समझते, उसके थ्रू आप इसकी इंपॉर्टेंस और उन चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए अपन बेटा पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में अब अपन पढ़ते हैं। तो देखिए बेटा मेंटेनेंस यहां पर हम पढ़ने वाले हैं 3 टाइप्स के।
फर्स्ट टाइप ऑफ मेंटेनेंस जो अपन पढ़ेंगे उसको हम बोलते हैं बेटा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। सेकंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड थर्ड को हम बोलते हैं रूटीन मेंटेनेंस। ये तीन टाइप के मेंटेनेंस होते हैं, एक को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, एक को हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और एक को हम बोलते हैं रूटीन मेंटेनेंस। बड़े ध्यान से इन तीनों के बारे में समझिए, फिर अपन इसको नोट करना वगैरह सब। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है? अपन इस एग्जाम्पल को पूरे को आसान अंडरस्टैंडिंग के लिए मानते हैं। हमारे पास में एक कार है, एक कार थी, चलते चलते खराब हो गई, काम ही नहीं कर रही है। तो फिर हम उसको क्या कराएंगे? रिपेयर कराएंगे, ठीक कराएंगे। जो खराब होने के बाद में हमने उसको रिपेयर कराया, ठीक कराया, उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। जब कोई असेट, जब कोई मशीन काम करना बंद कर देती है, उसके बाद में जब उसे ठीक करवाया जाता है, तो इसे बोला जाता है बेटा ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। क्योंकि ब्रेकडाउन नाम में ही दिख रहा है, ब्रेकडाउन मतलब चीज बंद हो गई, फिर उसके बाद में उसका मेंटेनेंस कराया, इसे बोला जाता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। जनरली ब्रेकडाउन मेंटेनेंस महंगा पड़ता है, क्योंकि चीज खराब हो गई है, चीज को ठीक करवाना है तो महंगा पड़ता है। तो कॉस्ट जो है मेंटेनेंस की, वो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में थोड़ी हायर आती है। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की अगर हमें कॉस्ट निकालनी हो, अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया जाए, बोला जाए कि कॉस्ट निकालो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की, तो हम किस प्रकार निकालेंगे, किस तरीके से कैलकुलेट कर पाएंगे? हमें दो चीजें चाहिए होगी कि कितनी बार ब्रेकडाउन हुआ, पहली चीज तो ये, और एक बार ब्रेकडाउन होने की कॉस्ट क्या आई। तो हम टोटल ब्रेकडाउन कॉस्ट बड़े आसानी से निकाल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मान लीजिए कि एक बार ब्रेकडाउन होने की जो कॉस्ट है वो 1000 रुपीज है, और हमारी कोई मशीन है जो ईयर में 5 टाइम ब्रेकडाउन हो गई, तो 1000 एक बार के, तो 5 टाइम के टोटल 5000 रुपीज लग जाएंगे। तो हमने नंबर ऑफ ब्रेकडाउन और कॉस्ट पर ब्रेकडाउन को अगर मल्टीप्लाई किया है, तो इससे हमें मिलती है टोटल ब्रेकडाउन कॉस्ट। तो ब्रेकडाउन की कॉस्ट निकालने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, पहली चीज नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, दूसरी चीज कॉस्ट पर ब्रेकडाउन। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाती है ब्रेकडाउन कॉस्ट। तो ये हो गई हमारी पहली बात कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस आखिर क्या होता है। इसके बाद में अगली बात आती है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है। देखिए बेटा, प्रिवेंटिव बना है प्रिवेंट वर्ड से, प्रिवेंट मतलब रोकना। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या कोशिश करता है कि हमारा इक्विपमेंट, हमारी मशीन खराब ही ना हो, ऐसा कुछ किया जाए। जैसा कि हम कार का एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, तो जो टाइम टू टाइम बेसिस पर हम कार की सर्विस कराते हैं, या आपके पास जो बाइक है उसकी आप सर्विस कराते हो, उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। वो सर्विस क्यों कराते हो आप? वो सर्विस से होता क्या है? जबकि आपकी मान लो कार खराब नहीं है, बाइक खराब नहीं है, फिर भी आप जाते हो और सर्विस कराते हो। क्यों कराते हो? ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो स्मूथली परफॉर्म करता रहे, और अगर वो खराब होने के चांस हो तो वो खराब भी ना हो। तो मतलब क्या होता है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, आप कार की सर्विस कराने से होता है कि आपका प्रोडक्ट तो अच्छा परफॉर्म करता ही है, और खराब होने के चांसेस भी उसके क्या हो जाते हैं, काफी कम हो जाते हैं। ये गारंटी नहीं है कि वो खराब होगा ही नहीं, हम सर्विस कराते हैं फिर भी हमारी बाइक और कार तो खराब होती ही है। लेकिन अगर हम सर्विस कराए ही ना, तो बताओ, अगर हम सर्विस कराए ही ना तो हमारी कार या बाइक ज्यादा खराब होगी या कम खराब होगी? अगर बिल्कुल हम सर्विस कराएंगे ही नहीं, किसी प्रोडक्ट की हमको करवानी होती है, तो हमारा प्रोडक्ट ज्यादा खराब होगा या कम खराब होगा? सर ऑब्वियस बात है कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा खराब होगा।
तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं बेटा कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, देखो पहली बात कैसे होता है, ये टाइम टू टाइम बेसिस पर होता है जैसे सर्विस होती है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो है वो आपके नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स को कम कर देता है, ब्रेकडाउन मतलब खराब होना। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं, यस और नो, कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नंबर ऑफ ब्रेकडाउन को कम कर देता है? कम बोल सकते हैं, स्टॉप नहीं बोल सकते। तो बिल्कुल सर, हम कह सकते हैं ऐसा। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या करता है, हमारे नंबर ऑफ ब्रेकडाउन को रिड्यूस करता है। लेकिन होता क्या है, देखो बेटा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में अब दो टाइप की कॉस्ट लग जाती है। दो टाइप की कॉस्ट कौन सी लग जाती है सर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस? एक तो देखो यहां पर, जैसे अगर आपको कंपनी में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाना हो तो होता क्या है कि अब एक एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देना होता है। वो एजेंसी क्या करती है, टाइम टू टाइम बेसिस पर आती है और आपकी सारी मशीन चेक करती है। मान लो हर महीने 15 दिन, 7 दिन, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो। तो एक तरीके से मान लो ये प्लान होता है, हमको प्लान लेना पड़ता है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का प्लान लेना पड़ता है। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस लेने के बाद भी ब्रेकडाउन होते हैं लेकिन कम होते हैं। तो अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान की, अगर आपको इस पूरे मेंटेनेंस की टोटल कॉस्ट निकालनी हो तो दो कॉस्ट आपको यहाँ पर मिलेगी। एक तो आपका प्लान की कॉस्ट, कि वह आपको फिक्स पेमेंट देना, जैसे 1,000 पर मंथ आपने फिक्स कर लिया, तो एक तो उसकी कॉस्ट लगेगी, एक ब्रेकडाउन की कॉस्ट लगेगी। दो कॉस्ट लगेगी प्रिवेंटिव, प्लान की कॉस्ट जो कि फिक्स्ड होती है, प्लस ब्रेकडाउन की कॉस्ट। लेकिन वो ब्रेकडाउन कॉस्ट जो है ना, वो इसमें कम आएगी। कम क्यों आएगी? क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो कम खराब होगा, आप टाइम टू टाइम बेसिस पर ऑलरेडी उसको मेंटेन कर रहे थे। तो ये होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस खराब होने के बाद ठीक कराओ, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस खराब होने से ही रोकता है टाइम टू टाइम बेसिस पर सर्विस होती है। फिर भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में दो कॉस्ट होती है, एक प्लान की कॉस्ट और एक फिर ब्रेकडाउन हो गया अगर तो ब्रेकडाउन की कॉस्ट। लेकिन नंबर ऑफ ब्रेकडाउन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ऑब्वियसली कम होंगे क्योंकि हम टाइम टू टाइम बेसिस पर सर्विस करवा रहे हैं प्रोडक्ट। तीसरा आता है बेटा रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस में क्या होता है, आप जैसे आपकी कार या बाइक है, आपने कार बाइक चलाई होगी तो टायर पंचर हो गया तो उसका पंचर आपने ठीक करा लिया, हवा भरवाना, एयर प्रेशर चेक करना, या फिर कार वगैरह में इनमें कुछ फिल्टर्स वगैरह आते हैं, एयर फिल्टर वगैरह, वो आपने क्लीन करवा लिया, ठीक करवा लिया। तो ये होते हैं रूटीन मेंटेनेंस। चेन खराब हो गई, चेन में ऑयलिंग करवा लिया आपने, स्प्रे डलवा लिया, ऐसे भी आपने प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जाम्पल देखे होंगे, ये सब क्या कहलाते हैं, ये रूटीन मेंटेनेंस है बेटा। तो हम जो ये क्लीनिंग करते हैं मशीन्स वगैरह की, लुब्रिकेशन जो होता है, ये सभी बेटा रूटीन मेंटेनेंस कहलाता है। ऑयलिंग जो होती है रूटीन मेंटेनेंस कहलाता है। इसी के साथ साथ में एक बेटा बड़े ध्यान से इस बात को समझना, प्लांट्स में शटडाउन लिए जाते हैं। जैसे मैं बताऊं, जब हम प्लांट में थे तो क्या होता था कि प्लांट पूरे साल आराम से काम चलता रहता है, लेकिन क्या होता है कुछ 15 दिन, 20 दिन या इवन 1 महीने तक का साल में एक बार शटडाउन आता है। शटडाउन मतलब जानबूझ के कंपनी खुद प्लांट को बंद करती है और पूरे प्लांट को सब लोगों के द्वारा मिलकर चेक किया जाता है, सेफ्टी सिक्योरिटी मशीन्स को पूरा तरीके से चेक किया जाता है, जहां भी चेंजेस की जरूरत हो सब कुछ किया जाता है। ये हर साल होता है और फिक्स्ड होता है। तो ये जो प्लांट शटडाउन होते हैं ना, पहले से प्लान करके कि भाई मान लो हमने प्लान कर लिया हर साल सितंबर में 1 महीने का शटडाउन लिया जाएगा, क्यों, पूरा प्लांट चेक होगा, हर चीज चेक होगी, तो ये भी एक रूटीन मेंटेनेंस का ही पार्ट माना जाता है। तो रूटीन मेंटेनेंस में क्लीनिंग, ऑयलिंग, लुब्रिकेशन, इसी के साथ साथ प्लांट शटडाउन भी इंक्लूड होते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ये प्लांट शटडाउन कौन से का पार्ट है, ब्रेकडाउन का, प्रिवेंटिव का, रूटीन का, तो ध्यान रखें रूटीन का पार्ट है। तो मेंटेनेंस के 3 पार्ट, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में चीज को खराब होने के बाद ठीक कराया जाता है, कंपेरेटिवली कॉस्ट ज्यादा आती है इसके अंदर। कॉस्ट कैसे निकलती है, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन और कॉस्ट पर ब्रेकडाउन को मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट हमारे सामने। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है, टाइम टू टाइम बेसिस पर प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन किया जाता है, जो भी जरूरत हो वो पूरी की जाती है, तो टाइम टू टाइम बेसिस पर चलता रहता है। इसके अंदर दो टाइप की कॉस्ट लगती है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान लेने की कॉस्ट और एक दूसरी हमारी ब्रेकडाउन अगर हो जाए, कम होंगे लेकिन फिर भी हो जाए तो उसकी कॉस्ट लगती है। तो यहाँ पर दो कॉस्ट लगती है, प्लान की कॉस्ट प्लस ब्रेकडाउन की कॉस्ट। तीसरा रूटीन मेंटेनेंस जो है, यहाँ पर अपना प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है रूटीन मेंटेनेंस का हमारे चैप्टर में भी, और जनरली हो भी नहीं सकता इसका। तो रूटीन मेंटेनेंस में क्या आते हैं, क्लीनिंग, ऑयलिंग, लुब्रिकेशन और प्लांट शटडाउन आते हैं। ये होते हैं 3 टाइप के ब्रेकडाउन। जल्दी से बताइए बेटा आपको क्लियर है कि नहीं, यस और नो, जल्दी से कंफर्म करो। अब फिर हम इनको करते हैं नोट। आइए बेटा इन तीनों के बारे में लिखते हैं।
फर्स्ट ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है? मेरे साथ साथ लिखी आई। इट इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ मेंटेनेंस अंडर विच मेंटेनेंस या फिर हम बोल सकते हैं रिपेयर इज कैरीड आउट व्हेन प्रोडक्ट स्टॉप वर्किंग। जब प्रोडक्ट काम करना ही बंद कर देते हैं तब उसको ठीक जो करवाते हैं उसी को बोलते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। जनरली द कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस इज हायर इट ऑल्सो इंक्रीजेस आइडल टाइम बिकॉज वी हैव टू वेट फॉर रिपेयरिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जब तक रिपेयर नहीं होगा वेट करना पड़ेगा, प्रोडक्शन अफेक्टेड रहेगा, वेट करो जब तक प्रोडक्ट ठीक नहीं हो जाता। मशीन बंद पड़ी है, बैठ के देखो ठीक हो रही। और कई बार मान लो उसमें जो पार्ट लगना है वो है ही नहीं, जैसे आपकी कार बाइक खराब हो जाती है उसमें जो पार्ट है वो है ही नहीं, तो क्या जवाब देते हैं सर्विस सेंटर वाले? ये पार्ट तो मंगाना पड़ेगा, 2 दिन में आएगा, 3 दिन में आएगा। तो वो सिचुएशन यहां पर भी हो सकती है। Sometimes products और spare part जो उसमें लगना है needs to be purchased from outside. बाहर से परचेज भी करनी पड़ सकती है अब ब्रेकडाउन हो गया तो होगा क्या? आपका जो प्रोडक्शन है वो भी अफेक्ट हो, प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा आपका ड्यू टू ब्रेकडाउन। प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर ऑल्सो अफेक्टेड। प्रोडक्शन की एक्टिविटी भी अफेक्ट होती है। कॉस्ट ऑफ ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, कितनी बार ब्रेकडाउन हुआ आपको ये पता होना चाहिए। मल्टीप्लाई कर दो कॉस्ट पर ब्रेकडाउन से,
और एक बार ब्रेकडाउन होने की कॉस्ट क्या आ रही है उससे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कोई प्रोडक्ट था साल में 5 बार खराब हुआ, एक बार के 1,000 रुपए लगे तो टोटल 5,000 रुपए आपकी कॉस्ट आ जाएगी ब्रेकडाउन। ये है अपना ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। अब हम बात करते हैं बेटा सेकंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में प्रोडक्ट को रोका जाता है खराब होने से, फिर भी हो जाए तो ठीक तो करवाना ही करवाना है। प्लान लेना पड़ता है तो उसकी कॉस्ट लग जाती है और दूसरी कॉस्ट ब्रेकडाउन की लगती है, लेकिन नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कम हो जाते हैं इसके अंदर। अंडर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मेंटेनेंस और रिपेयर ऑफ प्रोडक्ट इज कैरीड आउट ऑन टाइम टू टाइम बेसिस। ड्यू टू टाइमली मेंटेनेंस कॉस्ट की जगह नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स रिड्यूसेस। भाई ब्रेकडाउन के नंबर्स कम हो जाएंगे अगर आप किसी चीज को टाइमली मेंटेन करवाते रहोगे। वी हैव टू इनकर टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट अंडर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान। क्या कॉस्ट आती है? कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक तो फिक्स्ड प्लान की कॉस्ट आएगी जो आपको लेना पड़ेगा बाहर की किसी एजेंसी से, प्लस अगर फिर भी ब्रेकडाउन हो जाते हैं जो कि कम होंगे कंपैरेटिव तो ब्रेकडाउन कॉस्ट आएगी। थर्ड थिंग आती है हमारी रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस में क्या आता है? ऑयलिंग, ग्रीसिंग, लुब्रिकेशन, क्लीनिंग, ये सभी जो है रूटीन मेंटेनेंस में आते हैं। और जो प्लांट शटडाउन होते हैं पहले से प्लान होते हैं कि भाई हमें इस टाइम पर प्लांट को बंद रखेंगे और सारा सब कुछ देखेंगे, वो भी इसी में आता है। रूटीन मेंटेनेंस इंक्लूड्स डे टू डे मेंटेनेंस एक्टिविटीज
क्लीनिंग ग्लोबल क्लीनिंग ऑयलिंग ग्रीसिंग लुब्रिकेशन एक्सेट्रा। प्लांट शटडाउन्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ रूटीन मेंटेनेंस। जस्ट वेट, आप लिख लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ, थोड़ा राइटिंग में इसमें नहीं हो रहा। आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सो दीज आर द थ्री टाइप ऑफ मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन, प्रिवेंटिव एंड रूटीन। तो मेंटेनेंस क्या होता है ये हमने जान लिया है, मेंटेनेंस कितने टाइप के होते हैं ये जान लिए, और एक हमको जानना है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का क्या मतलब? रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपकी जो मशीन है, प्रोडक्ट है, उसको हटा करके उसकी जगह नया लगाते हैं। दैट्स ये काम कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये भी है इसमें कि कैसे हम ये डिसीजन लेते हैं, वो भी आगे चैप्टर के अंदर आएगा। अभी तो बस बेसिक अपन बात देख रहे हैं कि होने क्या होता है। रिप्लेसमेंट मीन्स रिप्लेसिंग अ मशीन और इक्विपमेंट्स विथ अ न्यू वन। वी विल डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर व्हेन अ प्रोडक्ट और मशीन शुड बी रिप्लेस्ड विथ अ न्यू वन। ये बातें हैं बेटा, इन सभी बातों को कर लीजिए नोट। बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट जो इस चैप्टर का है वो हो चुका है, अब इसके बाद में प्रैक्टिकल टॉपिक्स है एक एक करके। तो आज अपन इतना ही रखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके प्रैक्टिकल टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे, इस चैप्टर के जो भी है, और टॉपिक्स एक एक करके इसके कवर करें। चलिए बेटा, तो आज के लिए करते हैं इतना ही।